अमित जैन, ऑल इंडिया तीर्थ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं जहाजपुर, जहाजपुर जो कि स्वस्ति धाम के नाम से जाना जाता है, जहाँ जहाजपुर में ही स्थित है, जो स्वस्ति भूषण माता जी ने बनवाया है। और इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या अतिशय है, कैसे मूर्ति निकली थी, इसके बारे में हमारे साथ श्री भानु जैन जी, जो यहाँ के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, ये आवाज भानु जी की। जय जिने बंधु, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भूगर्भ से तक के अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सत्यनारायण भगवान किस प्रकार से जमीन से निकले, क्या क्या अतिशय यहाँ पर हुए, और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा से जहाज मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, महावीर जयंती का शुभ दिन, मंगलवार का शुभ दिन, जहाजपुर में एक मुसलमान के घर से नींव की खुदाई के दौरान मुनिशतनाथ भगवान, इनकी यक्षिणी अपराजिता देवी और अन्य 13 प्रतिमाएं प्रकट हुई। उसके यहाँ पर कई दिन से काम चल रहा था, लेकिन भगवान ने दिन चुना महावीर जयंती का, अपने आप न किसी को कोई शौक। जब खुदाई चल रही थी, मैं वही उस मकान के सामने रहता था, मुझे भी भगवान को निकालने का सौभाग्य मिला था। मुझे लगता था कि हो सकता है यहाँ कोई प्रतिमा प्रकट हो जाए, और उससे पूर्व में माता जी भी यहाँ पर आई थी। माता जी के सानिध्य में यहाँ पर एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था और माता जी यहाँ से देवली चली गई, और उसके बाद में भगवान प्रकट हुई महावीर जयंती को। हमने देखा लगभग 7-8 फीट की गहराई थी, पहले अन्य छोटी छोटी प्रतिमाएं निकली, और फिर लास्ट में देखा कि एक विशाल प्रतिमा जमीन में लेटी हुई है, उल्टी लेटी हुई थी प्रतिमा, और जो ही मिट्टी को हटाया तो सबने देखा नीले रंग की है। प्रशासन वहां पर आ गया, ये नीलम की प्रतिमा है, करोड़ों रुपए की प्रतिमा है, पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, इसे हम अपने कब्जे में लेंगे। और ऐसा कहकर जूं ही जेसीबी से बाहर निकाला जाने लगा, और बाबा ने अतिशय दिखाया, अपना रंग परिवर्तन कर दिया, हल्का हरा रंग हो गया। फिर जेसीबी का मुंह मंदिर की ओर था, हमने जेसीबी वाले को कहा कि जेसीबी को आगे बढ़ा, हम भगवान को गांव वाले मंदिर में ले जाएंगे। तो जेसीबी आगे बढ़ गई, और प्रशासन ने रोक करके कहा कि जेसीबी को पीछे मोड़, तो मुड़ी नहीं, आगे बढ़ती गई। आगे जाने के बाद में रास्ता सकड़ा गया, जेसीबी नहीं जा सकती थी, लेकिन भगवान ने अपनी व्यवस्था स्वयं कर रखी थी। जहां पर जेसीबी रुकी, वहीं पर एक चार पहियों का ठेला खड़ा था, हमने भगवान को उस ठेले पर विराजमान किया और गांव वाले मंदिर में ले गए। वहां ले जा करके मंदिर के नीचे एक तहखाना है, उसके बाहर लगभग 1.5 फीट ऊंची चबूतरी है, उस चबूतरी पर हम 6-7 लोगों ने भगवान को ठेले से चढ़ा दिया। क्या पता भगवान हल्के हो गए, या हमारे अंदर इतनी शक्ति आ गई, हनुमान जी जितनी भगवान को आसानी से इतनी विशाल प्रतिमा को उठा करके और गांव वाले मंदिर में विराजमान कर दिया। प्रशासन वहां पर आ गया, प्रशासन ने जेसीबी मंगवाई, क्रेन मंगवाई, लेकिन वहां से हिला नहीं पाए, और वहीं पर चैनल लगा करके सीज कर दिया। भगवान 1.5 महीने तक ठेले पर विराजमान रहे, केवल बाहर से दर्शन हो सकते थे, और उस समय अपने आप तीसरा रंग सलेटी रंग हो गया। पूजी माता जी देवली में विराजमान थी, हम लोग माता जी के पास पहुंचे, फिर माता जी जहाजपुर आई, यहाँ आकर के ट्रस्ट का गठन करवाया, और 1.5 महीने के बाद में श्रुत पंचमी का वो महान दिन आया, जिस दिन हमें प्रतिमा सुपूर्द कर दी गई, और जो ही बड़े बाबा का पूज्य माता जी के सानिध्य में 1008 कलश से महामंत्र का अभिषेक हुआ, और अपने आप बिल्कुल श्याम वर्ण की हो गई प्रतिमा, और इतनी चमक आ गई है, भक्तों को विश्वास नहीं होता, वो आकर के पूछते हैं क्या प्रतिमा पे कोई पॉलिश करवाई, इतनी चमक कैसे है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मात्र जलाभिषेक होता है, और जो जो अभिषेक होता जा रहा है वैसे वैसे प्रतिमा की चमक अपने आप बढ़ती जा रही है। बंधुओं, 1 साल तक भगवान गांव वाले मंदिर में विराजमान रहे, वहां पूज्य माता जी के चतुर्मास कल स्थापना के दिन शाम को 8 बजे आरती के समय नाभि के यहाँ से एक दिव्य रोशनी निकली, और नाभि से धीरे 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 अंदर होने लगी, बाहर होने लगी, और ये अतिशय प्रतिदिन दिखाई देता है, हो सकता है आप लोगों को भी देखने को मिल जाए कि जीवंत प्रतिमा है, लाखों भक्तों ने अतिशय देखा। फिर पूज्य माता जी की प्रेरणा से ये जमीन शाहपुरा रोड पे जमीन खरीदी गई, शुरू में 12 बीघा जमीन थी, आज ट्रस्ट के पास में 50 बीघा जमीन है। माता जी के दिमाग में ये विचार आया कि जहाजपुर इस जगह का नाम है, तो क्यों ना एक जहाज मंदिर बनवाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि इस जहाज मंदिर के कारण से इस जगह का नाम जहाजपुर रखा है। फिर 18 जून 2014 को एक अस्थायी जिनालय बना करके और भगवान को यहाँ विराजमान किया, और फिर यहाँ विराजमान करने के 1 महीने बाद 26 जुलाई 2014 शनि अमावस्या के दिन भगवान की दाई आंख से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और लगातार 1.5 घंटे तक देवकृत अभिषेक होता रहा, अपने आप मस्तक से पानी की धाराएं निकलने लगी। बंधु, ये अतिशय एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार देवकृत अभिषेक हो चुका है। फिर माता जी की प्रेरणा से
मात्र 5 वर्ष में जहाज मंदिर बनकर के तैयार हुआ और 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक यहाँ पर हुआ और सानिध्य मिला सराको धारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और परम पूजनीय गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण महाराज जी का। और 7 फरवरी 2020 को अतिशयकारी मनुष्यनाथ भगवान को जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान किया गया और आज ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, मात्र 7 साल में इतना बड़ा तीर्थ 50 बीघा जमीन पर और आज लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। 108 कमरे बन चुके हैं, एसी रूम है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, भोजनशाला है, शंतशाला है, यात्री निवास है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आप स्वस्ति धाम अवश्य पधारे और अतिशयकारी बड़े बाबा जिनका अभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, आप भी यहाँ पर आए, अभिषेक करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपने इतना अच्छा अवसर बताया है हमें। और ये और एक बार मुझे जो मूर्ति जो निकली है तो इसमें टोटल मूर्ति कितनी निकली है? कुल 13 प्रतिमाएं निकली थी। 13 प्रतिमाएं और कितने फीट हो रहे हैं? लगभग 7-8 फीट की गहराई पे उसके यहाँ पर नींव की खुदाई का काम चल रहा था। अच्छा, लगभग 6-7 फीट की गहराई पे। अच्छा, किसी के घर का नींव का काम चल रहा था? एक मुसलमान के घर से नींव की खुदाई के दौरान भगवान निकले। अच्छा, तो ये जो मेन जो प्रतिमा है वो कितने फुट की है? ये लगभग 8-9 फीट की गहराई। सबसे लास्ट में निकली थी, पहले और छोटी छोटी प्रतिमाएं निकली थी और सबसे अंत में मनुष्यनाथ। मतलब टोटल 12 प्रतिमा जो है वो पहले छोटी बाद में 3 प्रतिमा प्रतिमा जो है वो उल्टी निकली। एक इनकी यक्षिणी निकली है अपराजिता देवी, जिनसे भगवान की पहचान हुई है। ये चतुर्थकालीन प्रतिमा है और उस पर कोई चिन्ह नहीं है प्रतिमा पे। जैसा कि पूज्य माता जी ने बताया है कि चतुर्थकाल में जो प्रतिमाएं होती थी उन पर कोई चिन्ह नहीं होता था, उनके जो यक्ष यक्षिणी होते थे उनसे उनकी पहचान होती थी। तो चलिए दोस्तों, मंदिर में चलते हैं, आपको मंदिर में अंदर दर्शन करा सकते हैं, दर्शन कराते हैं आप लोग, अद्भुत मूर्ति के दर्शन कराते हैं आपको। हो सका अतिथे दिखाया, अगर दिखा तो हम आपको भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं मंदिर में। चौबीसी के लिए यही लिफ्ट दे रखी है, बुजुर्ग है कोई चढ़ नहीं सकते ऊपर सीढ़ियों से, उनके लिए लिफ्ट दे रखी है।
गुरु जी का हमने अभी भानु जी से हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये प्रतिमा निकली और क्या अतिशय है ये बताया। हमारे साथ है श्रीपाल जी जो यहाँ पे मैनेजर हैं और ये हमें बताएंगे यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरह से सुचारू रूप से चल रही है और यहाँ पे रुकने का क्या साधन है, भोजन की क्या व्यवस्था है, क्या चार्ज लेते हैं, कितना टाइमिंग है, वो सब बताएंगे। श्रीपाल जी बताइए। सभी की यात्री की व्यवस्थाओं के अनुकूल है, रुकने की व्यवस्था 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। हमारे पास टोटल 108 रूम टोटल बने हुए हैं, 12 हॉल है उसमें, 108 कमरों में 68 कमरे एसी वाले हैं। अच्छा, और बाकी जो 40 कमरे हैं वो नॉर्मल कमरे हैं। सर, कमरे एसी वाले कमरों का चार्ज 800 रुपये रहता है, नॉन ए सी कमरों का चार्ज 300 रुपये के हिसाब से रहता है। ठीक। बाकी भोजन की व्यवस्था है अपने नॉर्मल टाइम में सुबह 10 से 1 और शाम को 5 से 7 रहती है। खाने का चार्जेस मिनिमम चार्जेस 70 रुपये खाने के हिसाब से रहता है, या तो कोई परेशानी से खाना मिलता है भोजनशाला में। बाकी आरती सुबह अभिषेक का टाइम 7:30 बजे का रहता है और शाम को आरती का टाइम 6:30 बजे का रहता है। इस टाइम संध्या आरती वगैरह होती है, भजन होती है, मंदिर जी में पूरी लाइटिंग्स वगैरह होती है। सरकार की यात्रियों के हिसाब से पूरा अनुकूल हिसाब से बनाया गया है। और मेरे ख्याल से आपको सब बारे में पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे अगले किसी तीर्थ स्थान पे। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के संग बताएं सबको कि क्या व्यवस्था है झारखंड की, और ज़्यादा से दान दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ के जो दान की है अकाउंट नंबर वगैरह मैं शेयर कर दूँगा, मोबाइल नंबर शेयर कर दूँगा, यहाँ पर आप आते हो उससे पहले फ़ोन पर बात करें, ज़्यादा अच्छा है, आपको आने में दिक्कत ना हो, किसी भी तरह से कष्ट ना हो, टाइमिंग की दिक्कत ना हो। चलो दोस्तों।